नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही सीरियस वीडियो है। इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इस वीडियो से किसी की जान बचने वाली है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। एक बंदे ने हमें ईमेल करके बताया है कि ये मेरा आखिरी ईमेल है। आपने मुझे बहुत संभाला, आपका धन्यवाद। घर वालों ने मुझे बहुत संभाला, घर वालों का भी धन्यवाद। मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूँ, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मेरे अंदर जो गलत विचार चल रहे हैं, उस गलत विचार से मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। गलत कर्म से मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूँ। मैं अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने पिताजी से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं अपने आप को खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि पौर्ण के विचारों से, गलत विचारों से, गलत कर्म से, वीरनाश से अब मेरी जिंदगी खोखली हो चुकी है। इस जिंदगी को बचाकर मैं क्या करूंगा। इस तरह का एक ईमेल आया था हमारे पास। हमने उसे संभालने की बहुत कोशिश की। उसने लिखा था कि ये मेरा आखिरी ईमेल है। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी। उसके बाद उस ईमेल का अभी तक जवाब नहीं आया है। एक हफ्ता हो गया है, क्या पता वो लड़का सही सलामत है या नहीं, हमें नहीं पता दोस्तों। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में जो टिप्स मैं बताने वाला हूँ, आप अपने लिए भी लागू करें। और इस तरह की मानसिक स्थिति से जो लड़का गुजर रहा है, जो लड़कियां गुजर रही है, उनको ये वीडियो दिखाइए। और ये ब्रेन रिवायर जो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जरूर सुनाइए, जरूर बच जाएंगे। अपने आप पर विश्वास रखें दोस्तों। मैं आपको कुछ जानकारियां देते हुए इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही पावरफुल ब्रेन रिवायर में आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, जिस ब्रेन रिवायर के थ्रू आपका हार्ट चक्र क्लीन होता है, साथ ही आज्ञा चक्र, जो आज्ञा चक्र है वो भी क्लीन होता है, जिसके अंदर गहराई में पीनियल ग्लैंड है। तो ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। इस ब्रेन रिवायर से आपका हार्ट और आपका माइंड पूरी तरीके से रीप्रोग्राम हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखें, एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को मिस ना करें। आपकी भी जान बच सकती है, आपके भाइयों की जान बच सकती है, आपके दोस्तों की जान बच सकती है, आपके आने वाले जनरेशन की भी जान बच सकती है दोस्तों। लड़के ने हमें बताया कि अपनी बहन, जो बहन राखी बांधती है, उसके लिए मेरे मन में गलत विचार चल रहे हैं। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, जिस माँ ने मुझे दूध पिलाया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, उस माँ के लिए मेरे मन में गलत ख्याल आ रहे हैं। ये मुझे क्या हो गया है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ एक युवा की समस्या नहीं है, लाखों युवाओं की समस्या है। इसके पीछे क्या कारण है, ध्यान से सुनिए। आजकल तरह तरह के पॉर्न और सॉफ्ट पॉर्न वीडियोज इंटरनेट में सर्कुलेट हो रही है। उसमें लिखा हुआ रहता है, मां और बेटे, बाप और बेटी, बहू और ससुर, ऐसे तरह तरह की जो सामाजिक रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन है, उन सबको लेकर के पॉर्न और सॉफ्ट पॉर्न सब बनाए हुए हैं। उसको जो रिपीटेडली देखते हैं, देखते देखते वो प्लेजर को गेन करने की लड़का कोशिश करता है। फिर क्या होता है, प्लेजर गेन करते करते आदत हो जाती है, और सीमेन इजेकुलेशन करते करते दिमाग में इस तरह का एक इम्प्रेशन जम जाता है। उसका शरीर का जो सिस्टम है वो समझ जाता है, सोच लेता है ये सब चलता है, और चलता है चलता है इंटरनली इतना ज्यादा प्रोग्राम हो जाता है कि लड़का अपनी माँ के लिए भी गलत सोचता है, अपनी बहन के लिए भी गलत सोचता है, रिलेशनशिप को नहीं देखता है, सामाजिक संबंध को भी नहीं देखता है। ये प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस होती जा रही है दोस्तों। इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक और बात बताना चाहता हूं, घर जो है, घर को बनाना बहुत मुश्किल है। 6 महीना, 1 साल, 2 साल भी लग सकता है, लेकिन घर को उजाड़ना 1 दिन का काम है, तोड़ देना 1 दिन का काम है। उसी तरह आपके शरीर में जो कीमती वाइटल फ्लूड, सेमिनल फ्लूड बनता है, उसे भी बनने में समय लगता है दोस्तों। ये जो सुसाइडल थॉट आते हैं, और ये जो इम्बैलेंस मेंटल कंडीशन होती है, उसके पीछे कारण है, कई सारे कारण हैं, उनमें से सबसे अहम कारण है नौजवानों में हस्तमैथुन की गलत आदत, वीरनाश की समस्या।
उससे क्या होता है, लेसिथिन, फॉस्फरस आदि वैल्यूएबल केमिकल्स जिसको हम ब्रेन फूड भी बोलते हैं, उसकी कमी हो जाती है। और हम सोचते हैं कि बाहर से कोई दवाई खा लें, कुछ टॉनिक पी लें और हम ठीक हो जाएं, दिमागी हालत ठीक हो जाए, वीरनाश की कमी पूरी हो जाए। ऐसा संभव नहीं है, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, अगर मानो वो पूरी हो भी गई, आपके मन में जो संस्कार है, जो गलत इंप्रेशन जम गया है, उसे आप कैसे ठीक करोगे? एक और बात ध्यान से सुनिए, जैसे कि कोई घर है, घर की नींव जितनी मजबूत होती है उसके अकॉर्डिंग हम बिल्डिंगें खड़ी करते हैं। अगर उसकी नींव कमजोर होती है ना, तो हम एक फ्लोर से ज्यादा चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मकान उससे कमजोर हो जाता है। उसी तरीके से आज वीरनाश से, ये सब पॉर्न एंड मास्टरबेशन एडिक्शन की वजह से युवाओं की नींव जो है कमजोर हो चुकी है। आप समझ रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्दी बहुत पौष्टिक खाना खा लूंगा, कुछ दवाई खा लूंगा और मैं अपनी नींव को मजबूत कर लूंगा। दोस्तों, ये नींव इतनी आसानी से मजबूत नहीं होगी। इस नींव को मजबूत करने के लिए आपको इंटरनली कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। दोस्तों, समय जरूर लगेगा, मैं बार बार कहता हूँ, समय जरूर लगेगा। अपनी नींव को मजबूत करने के लिए आप दवाई और खान पान के ऊपर ही डिपेंड मत होइए। आप जरूर आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आप जरूर पौष्टिक खाना खा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंटरनल प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, माइंड के जो गलत इंप्रेशन को दूर करके पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं डालेंगे, तो इस प्रॉब्लम से, इस एडिक्शन से पूरी तरह आप नहीं बच सकते। आपके दिमाग में एक नेगेटिव इंप्रेशन बन चुका है। इंप्रेशन यानी कि हम उसको आध्यात्मिक भाषा में संस्कार बोलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, उस संस्कार को दूर करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना है, धैर्य के साथ प्रयास करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। जैसे रिपीटेडली देखने के कारण वो नेगेटिव इंप्रेशन तैयार हुआ है, वैसे रिपीटेडली हमें कंटिन्यूअसली सुबह और शाम हमें ब्रेन रिव्यूअर सुनना है, सुनते ही रहना है। जैसे हम गाना सुनते हैं, पिक्चरें देखते हैं या कुछ भी एंटरटेनमेंट करते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, वैसे ही हमें ब्रेन रिव्यूअर की आदत होनी चाहिए। उससे क्या होगा, रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमारा इमेजिनेशन पावर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, हमारे दिमाग में जो नेगेटिव इंप्रेशन बना हुआ है वो पॉजिटिव इंप्रेशन में बदल जाएगा। और हम जब भी ऐसी चीजों का सामना करेंगे, हम मेंटली इतना पावरफुल हो चुके होंगे कि उसका शिकार नहीं होंगे। तो ध्यान से देखिए, अब जो हम ब्रेन रिवायर करने वाले हैं, उससे हमारा हार्ट चक्र प्यूरिफिकेशन होगा, साथ में पीनियल ग्लैंड यानी कि आज्ञा चक्र के मध्य में यानी कि बीच में, ब्रेन के बीच में पीनियल ग्लैंड है दोस्तों, उसमें भी वाइब्रेशन क्रिएट होगा, जिससे मनोबल तो बढ़ेगा, हार्ट प्यूरिफिकेशन भी होगा, हार्ट में एक डिवाइन इमोशन क्रिएट होगा। 100% गारंटी के साथ आप महसूस करेंगे कि आप कुछ अलग महसूस कर रहे हैं, अनोखा महसूस कर रहे हैं। इसे आप रिपीटेडली सुने, देखें और साथ में औरों को भी रिकमेंड करें। चलिए अब करते हैं हार्ट चक्र प्यूरिफिकेशन एंड आज्ञा चक्र प्यूरिफिकेशन। ध्यान से देखिए, स्टेप नंबर 1, ध्यान से सुने। हमारा ध्यान जहां जाता है, हमारे शरीर में मौजूद बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी वहीं पर केंद्रित हो जाती है, जिसके कारण उस रेस्पेक्टिव ऑर्गन को वो प्यूरिफाई करने लगती है। अपने मन को हार्ट चक्र पर केंद्रित करें। ये कुंडलिनी शक्ति का एक चक्र है। ऐसी भावना करें कि आपका हार्ट चक्र प्यूरिफाई हो रहा है। आपके हार्ट चक्र में पवित्र भावना पैदा हो रही है, डिवाइन वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। आपके हार्ट चक्र में आपको बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल इमोशन पैदा हो रहा है। इससे पहले जो भी आपके दिल में गलत भावनाएं चल रही थी, वो दूर हो रही है। बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी के प्रभाव से आपका हार्ट चक्र बहुत ज्यादा प्यूरिफाई
हो रहा है, उसके अंदर अद्भुत सकारात्मक शक्ति पैदा हो रही है, शुद्ध हो रही है। इस भावना से इस म्यूजिक को सुनते जाएं, इस विजुअलाइजेशन की मदद से अपने हार्ट चक्र को प्यूरिफाई करते जाएं, अपने आनंद को बढ़ाते जाएं। ये सत्य है, आपका आनंद बढ़ रहा है, आपकी मस्ती बढ़ रही है, बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव बन रहे हैं, पावरफुल बन रहे हैं, हार्ट चक्र प्यूरिफाई होता जा रहा है। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में खुद को डुबाते जाएं, डूबते जाएं और अगले निर्देश का इंतजार करें, इंतजार करें। दोस्तों, अब करेंगे हम आज्ञा चक्र प्यूरिफिकेशन। धारणा करें आपके आज्ञा चक्र में दोनों आंखों के बीच में जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, वहीं पर एक ज्योति चमक रही है, आपको बहुत ज्यादा लाइट दिखाई दे रही है, चमक दिखाई दे रही है। आप अपने मन को आज्ञा चक्र में केंद्रित करें, शरीर की बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी आज्ञा चक्र के तरफ आ रही है, सारी शक्ति आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो रही है, आपका आज्ञा चक्र प्यूरिफाई हो रहा है। इसके कारण पीनियल ग्लैंड, जो ज्ञान का भंडार है, बुद्धि का भंडार है, विवेक विचार का भंडार है, समझ शक्ति का भंडार है, अनमोल विचारों का भंडार है, पवित्र विचारों का भंडार है, वो भी एक्टिवेट होने लगा है। जी हाँ, मेरा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है, आज्ञा चक्र में मुझे लाइट दिखाई दे रही है, चारों तरफ रोशनी फैलती जा रही है, मैं लाइट में रोशनी के गहराई में खोता जा रहा हूं, खोता जा रहा हूं। ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद मैंने सपने में कभी अनुभव नहीं किया था। मैं इस
आज्ञा चक्र प्यूरिफिकेशन आनंद में डूब रहा हूँ। पुराने सभी ख्यालों को मैं भूल रहा हूँ। सभी नेगेटिव इंप्रेशन को मैं दूर कर रहा हूँ। दूर हो चुके हैं। अब मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे संस्कार में सकारात्मक प्रभाव बढ़ चुका है। आध्यात्मिक संस्कार बढ़ चुका है। मैं बहुत शक्तिशाली हो चुका हूँ। अपनी शक्ति का मैं अनुभव कर रहा हूँ। अपने वास्तविक आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूँ। मेरा आज्ञा चक्र प्यूरिफाई हो रहा है। मैं खुद ही जानता हूँ इसमें कितना आनंद है। मैं बहुत ज्यादा गदगद हो रहा हूँ। अनुभव करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, डूबते जा रहा हूँ, डूबते जा रहा हूँ। दोस्तों, इस तरह अपने आप को डुबाते जाएं, डूबते जाएं। आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं, पावरफुल बन रहे हैं। आपका संस्कार बन रहा है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन आपका बहुत ज्यादा शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। आपके मस्तिष्क का पुनर्गठन हो रहा है, पुनर्गठन हो रहा है। अनुभव करते जाएं, डूबते जाएं, शक्तिशाली बनते जाएं, एक अनोखा इंसान बनते जाएं, आध्यात्मिक आनंद में डूबते जाएं, डूबते जाएं।